और उस समय जब हमने बात रखी थी तो जनता को, पार्टी को, वर्कर्स को, देश को ये हमने आश्वासित किया था कि हम बिना भेदभाव के जांच करवाएंगे, और हमारे पास उस वक्त पूरा तथ्य हमारे पास है। हम विपक्ष में थे, जब हम विपक्ष में थे तब तथ्य हमारे पास आ रहे थे, तो मैं नहीं मानता हूं कि सरकार में आने के बाद हमारे पास वो संकल्प शक्ति नहीं होगी कि हम उन तथ्यों को उजागर कर सकें। और ये जांच का विषय मैंने नहीं कहा, तो कई बार आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने बोला है, कई बार सदन ने बोला है, सदन के बाहर बोला है, तो इसलिए मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है, 6-7 महीने में आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए मैं ये आपसे आपके बीच साझा करना चाहता था। और साथियों, कई बार आप मुझसे सवाल पूछते हो और मैं जवाब देता हूँ कि मैंने कांग्रेस लीडरशिप को राजस्थान के संदर्भ में कई सुझाव दिए हैं, मैंने कहा ना आप लोग कई बार, उनमें से एक सुझाव यह भी था कि पार्टी की साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण ऐसे ना लगें कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है, ये हम सब जानते हैं। इसी को देखते हुए, क्योंकि 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक, लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर, इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है, अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।